और इधर से मैंने खरीदा भाई लाल भाजी, ये देख सकते हो 150 रुपए सैकड़ा पे, 200 पीस देख सकते हो। सुबह मैंने आलू लेके आया प्लस ये बैगन और मिर्ची। क्या चाचा उतारो यार उसको, नीचे उतारो। और ये सब है अपना भाई साहब 2750 रुपए, 2750 रुपए का। भाई चला भाई आलू भाटा भाटा 40 रुपए किलो भाटा। लफड़ा हो गया यार, इसका बटन टूट गया भाई तराजू का। तो कैसे हो आप लोग, वापस से सभी का स्वागत है एक और न्यू ब्लॉग में। तो भाई साहब अभी बज रहे हैं सुबह के 10 और अभी फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ सब्जी मंडी। ये देख सकते हो भाई सुबह के 10 बजे मंडी का हाल, पूरा गाड़ी लगा हुआ इस साइड मनहरण। और अभी मैंने कल का जो टमाटर लेके गया था खाली टमाटर, ये देख सकते हो कल टमाटर टमाटर लेके गए थे, तो उसका पूरा खाली कैरेट्स को लाया भाई जमा करने। तो चलो इनको लेके चलते हैं और सबसे पहले कैरेट जमा कर दे भाई, फिर उसके बाद वेजिटेबल्स। अभी बज रहे हैं सुबह के 10:30 और बहुत तेज धूप है भाई, बहुत ही तगड़ा धूप है देख सकते हो। और धूप की वजह से मैंने ये कैप भी लगाया हुआ है, प्लस अभी सामने आप लोग देख सकते हो टमाटर का बोली हो रहा है भाई। ये देखो 200 रुपए कैरेट, लेकिन कोई नहीं बोल रहा है भाई 210। 25 kg भर्ती साथ में आता है टमाटर, 210 रुपए भी कट रहा है भाई, 210 रुपए। तो दोस्तों अभी फाइनली टमाटर ले लिया है भाई 210 रुपए के रेट, 5 कैरेट ये देख सकते हो, ये 5 है अपना देख सकते हो, क्वालिटी काफी अच्छा है भाई टमाटर का। तो चलो अभी इसको लेके डालते हैं ऑटो पे, वहाँ पास ऑटो है। टमाटर लेने के बाद मैं आया किसान मार्केट की तरफ और इधर से मैंने खरीदा भाई लाल भाजी, ये देख सकते हो 150 रुपए सैकड़ा पे, 200 पीस मतलब 300 का 200 पीस लाल भाजी लिया है भाई। और अभी आप लोग मार्केट देख सकते हो 11 बज रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी सब्जियां बचा है यार किसानों के पास, मूली लाल भाजी टमाटर गोभी वगैरह। तो चलो ये लाल भाजी को भी लेके डालते हैं हमने ऑटो पे, फिर कुछ और सब्जी मिलता है तो लेंगे भाई। तो दोस्तों अभी बज रहे हैं शाम के 4 और सुबह मंडी से मैं जो है सब्जी खरीदा, फिर उसके बाद ना बाइक से और लेके आया भाई देख सकते हो। सुबह मैंने आलू लेके आया प्लस ये बैगन और मिर्ची, और अभी फिलहाल मैं सुनील भाई का वेट कर रहा हूँ, प्लस वो आ भी रहा है ये देख सकते हो, सामने से अपना ऑटो आ रहा है। तो चलो ये सब को फिर से डालते हैं ऑटो पे और निकलते हैं मार्केट भाई, नंगोई विलेज का मार्केट है ये देखो, पास ही आ गया, फटाक से डालते हैं इसी के ऊपर। मार्केट भाई और आज सही टाइम पे आया है देख सकते हो, बाकी सब लगा रहे हैं यार अपना अपना दुकान। ये रहा अपना स्थान सामने इधर। क्या चाचा उतारो यार उसको, नीचे उतारो। चलो भाई दुकान लगाते हैं। रात भर पर रात हो गई कम ले ले यार, इसमें तो मजा नहीं ज्यादा ही भैया रामेश्वर से जान तो हम तो लूट कर दब रे। 10 रुपया किलो भाटा एक से बारह फोन लगा सनम देख ना ले दे सुनील फोन लगा ना भाई सब लोग बेचबो ना कच्चा बेचने बताते हैं किलो। दोस्तों अभी बज रहे हैं शाम के 5 और अभी फाइनली दुकान लगा लिया है भाई, ये देख सकते हो सिर्फ इतना ही सामान है
और ये सब है अपना भाई साहब 2750 रुपये, 2750 रुपये का चार ही वेजिटेबल्स। और आज मैंने बहुत दिन बाद वाइट वाला बैगन लेके आया भाई, ये देख सकते हो सफ़ेद वाला बैगन। और रेट की बात करें ना तो आलू बेच रहे 30, ये बैगन भी 30 रुपये किलो है, टमाटर 15 रुपये किलो, 30 में 2 किलो, और लाल भाजी आज भाई साहब 20 रुपये का 6-7 ऐसा बेच रहे हैं। और आज के मार्केट का नाम भाई साहब नगोई, ये देख सकते हो आज के मार्केट में सब्जियाँ ठीक ठाक आया है, ठीक ठाक मात्रा पे, और कस्टमर उतना सही सलामत है नहीं यार, थोड़ा सा स्लो है, मार्केट आ ही नहीं रहे हैं, ग्राहक जो है दिख ही नहीं रहे हैं। ये आलू भाटा लाल भाजी वाले लेके जा, लेके जा भैया, चले भाई आलू भाटा टमाटर भाटा 40 रुपए किलो भाटा। बारी वाला भाजी, बारी वाला भाजी, लाल भाटा 20 रुपए 6-7 आलू। चला भाई आलू भाटा टमाटर 20 के 1.5 किलो। आदाई टमाटर 2 किलो, 30 में 2 किलो टमाटर। हालत है एक भाई सब तराजू का काट बटन टूट गया है। आलू बड़े आलू भाई 30 30 30 30 30। लफड़ा हो गया यार, इसका बटन टूट गया भाई, तराजू का वारंटी में है, इसको लेके जाना पड़ेगा। हो गए धन्यवाद भाई, जुगाड़ में चल बारी वाले भाजी, बारी वाले भाजी, भाटा 40 आई, 30 रुपए किलो लगा, हाँ जा 30 लगाओ, 30-40 बेचो, ले दे कि जुगाड़ भी बने यार, तराजू भी तेरे से उठा के, इसका भी हालत खराब हो गया, गरीबी पे आटा गिरा। हाँ भाई आलू भाटा टमाटर लाल भाजी वाले मान, चले आ चले आ भैया। हाँ सरहा वाले टमाटर ना 10 रुपए किलो में एकदम सरहा, क्या किलो 3 किलो। चले आ भाई टमाटर 10 हो गया, एक ठो कढ़ा नहीं है कहा बताऊ मैं, 200 वाले टमाटर है 10 रुपए बेचा था तो पर खून हाँ उठा थे 10 10 10 10 एक तरफ से 10, कोई 20-25 वाले काम नहीं, खत्म करो। क्या किलो, क्या किलो चाचा 40 रुपये है भाटा 10 रुपये, 1 किलो हो गए टमाटर 10 रुपये, 5 मिर्चा दे दो खा चला 1 किलो करा 30 10 रुपये बाबू टमाटर 10 5 मिर्चा
आलू 30 रुपया, आलू 30 रुपया, करेला हाँ पटाल ले लेते दस। दस के है एक पाव। आओ बर्रे भाजी, बर्रे भाजी। दस रुपए किलो टमाटर। इधर आओ, दस उधर सब भाजी। भाजी टमाटर 10 रुपया, 10 रुपया। अभी बज रहे हैं शाम के 7:30 और अभी मार्केट खत्म भाई, ये देख सकते हो खाली हो चुका है और आज का मार्केट उतना सही नहीं था यार। देख सकते हो आप लोग, आलू बचे है, बैंगन भी बचे, टमाटर भी, और लाल भाजी तो यार पूछो ही मत, बहुत ही ज्यादा लाल भाजी बचे है, देख सकते हो बहुत ही ज्यादा। कैट दाई 10 ठो, चल ले नहीं गिनो मैं 10 ठो, तोर ऊपर विश्वास है, ले भर ले झोला वहाँ। अभी चलो यार ये सबको उठाते हैं भाई, जितना बाकी अभी सभी सब्जियों को उठा के अपन डाले हैं ऑटो के भाई, ये देख सकते हो आप लोग। और अभी मैं बैठ चुका हूँ गाड़ी के ऊपर में पीछे साइड, क्योंकि सामने साइड मतलब गर्मी लग रहा था भाई, तो मैं बोला कि मैं पीछे ही बैठता हूँ भाई, क्योंकि सामान भी हो सकता है गिर गाड़ जाता है, ऐसे में रस्सी वस्सी लगा नहीं इधर। तो चलो यार अभी निकल रहे हैं हम लोग मार्केट से घर के लिए। दोस्तों अभी फाइनली पहुंच चुके घर भाई, अभी चलो खाली कैरेट्स और भरा वाला कैरेट सभी को उतारते हैं नीचे। पूरा सभी सब्जियों को कर लिया है मैंने घर के अंदर, ये देख सकते हो भाई लाल भाजी है ये पूरा, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बच गया है लाल भाजी, और इसको ऐसे ढक के रखा है ताकि ख़राब ना हो ऐसा करके। और एक कैरेट आलू प्लस एक कैरेट टमाटर बचा है यार। और यार आज का मार्केट ना उतना सही नहीं था भाई, मतलब बहुत ही ज़्यादा सस्ता बेच रहे थे फिर भी मतलब सेल नहीं हो रहा था। 10 रुपये केजी पे भी टमाटर लोग जो है ले नहीं रहे थे यार, 10 में भी एकदम मूल भाव कर रहे थे। अपना ये साला तराजू का बटन भी टूट गया यार, ये वाला यहाँ पास का, ये देख सकते हो ये बटन टूट गया इसका, ये वाला, इसको ऐसे ये था बराबर, ये चालू बंद करने में दिक्कत जा रही थी, इसको ऐसे चिपका के ना टेप ऐसे लगा के जुगाड़ बनाया था भाई, तब जाके ये चालू हुआ था। तब क्या ही बताऊँ, पूरा बैड डे भाई, मज़ा ही नहीं आया। और मतलब जब मार्केट सही नहीं चलता है ना तो ऑटोमेटिक मन जो है उदास हो जाता है, थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, पता नहीं क्यों ऐसा होता है, ऐसा करके मन बहुत ज़्यादा मन जो है ख़राब लगता है। अभी चलो यार हाथ पैर धोते, फिर मैं खा ले रहा हूँ खाना, फिर उसके बाद देखते हैं कितने का सेलिंग करी है, उसको गिनना पड़ेगा भाई। अभी बज रहे रात के 9 और अभी फाइनली मैंने खाना खा लिया है भाई, तो सेलिंग भी गिन लिया है। तो ये पूरा वेजिटेबल्स की बात करें ना तो ये था भाई साहब अपना पूरा 2750 रुपये का, जिसको मैंने सेल किया था 2150 रुपये का, बड़ी मुश्किल के साथ 2150 रुपये का सेल किया था भाई, जिसमें से 150 रुपये मैंने सुनील भाई को गाड़ी का भाड़ा दे दिया, तो अपने पास बच जाते हैं 2000 रुपये। मतलब अभी मैं 750 रुपये के लॉस में चल रहा हूँ भाई। तो अब जो ये बाकी है इसको कल सुबह लेके जाएंगे बेचने, तो देखते हैं अब कल अपना लॉस रिकवर होता है कि नहीं, मे भी हो जाएगा यार, लॉस रिकवर हो जाएगा और प्रॉफिट भी हो जाना चाहिए, अब क्या होगा वो कल ही पता चलेगा। लेकिन ऐसा है कि इतने सस्ते में भी टमाटर जो सेल नहीं हुआ, ये थोड़ा सा डीमोटिवेटिंग है यार, क्योंकि एक टाइम पर टमाटर 200 रुपये किलो था जो टमाटर, आज 10 रुपये किलो है, लेकिन फिर भी लोगों को नहीं लेना है। और मतलब क्या बताऊँ, इतना ज़्यादा कचकच करते हैं भाई कस्टमर मतलब गांव पे, कि गुस्सा भी लग जाता है कि हम लोग इतना सस्ता बेच रहे हैं फिर भी नहीं ले रहे हैं, ऐसा करके समझ नहीं आता है। ऐसे में कभी कभी मेरे को ऐसा लगता है कि यार छोड़ो वेजिटेबल सेल करना, छोड़ देता हूँ कुछ और करूँ ऐसा करके। लेकिन भाई साहब ऐसा कि एक दिन अगर आपका ख़राब जा रहा है तो ऐसा नहीं कि काम को अपन गलत बोल दे, तो ऊपर नीचे तो होते रहता है भाई। अभी थोड़ा सा स्थिति डाउन चल रहा है मार्केट का, और ऐसा कि जब वेजिटेबल सेल नहीं होता है बाकी रहता है, थोड़ा सा डिमोटिवेशन के चक्कर में साला थकान भी बहुत ज़्यादा लगता है, एकदम थका थका टाइप से अच्छा नहीं लगता है। तो यही था भाई, और इसी के साथ आज के ब्लॉग को यही एंड करते हैं, और मैं आशा करूँ कि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, कैसा लगा उसको कमेंट जरूर करना, चैनल पहली बार आया चैनल सब्सक्राइब कर लेना, मिलते हैं फिर एक और नए वीडियो साथ में, तब तक ला सभी को जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, बाय बाय।